एक दफा का जिक्र है कि एक कारपेंटर अपना वर्कशॉप बंद करके घर चला जाता है। उसके जाने के बाद एक जहरीला सांप उस वर्कशॉप में दाखिल होता है। सांप भूखा होता है और उसकी वजह से वो वर्कशॉप में यहाँ वहाँ खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है, तो अचानक वो एक कुल्हाड़ी से टकराता है और मामूली सा जख्मी हो जाता है। सांप जैसे ही ये देखता है तो वो अपनी फितरत के मुताबिक बाइट बैक करता है, वो भी एक्स पे। ये तो आपको अंदाजा ही होगा कि सांप के एक्स पर काटने से हुआ क्या होगा। वो और ज्यादा जख्मी हो गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। इसके बाद वो और ज्यादा गुस्से में आ गया और अकड़ में उसने चाहा कि वो एक्स को इस बार तोड़ दे और अपनी पूरी ताकत उसके गिर लिपट गया। अगले दिन जब कारपेंटर मामूल के मुताबिक अपने वर्कशॉप में आया तो वो क्या देखता है कि एक सांप, जो कि दिखने में तो जहरीला लगता था, वो उस एक्स के गिर्द लिपटा है और मर चुका है। आप बताइए, क्या सांप किसी और की गलती से मरा? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसने ये हालात खुद अपने ही अगेंस्ट बनाए। सिर्फ अपने गुस्से और अकड़ की वजह से किसी वक्त जब हम गुस्से में होते हैं तो दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन कुछ वक्त गुजर जाने के बाद हमें ये एहसास भी ज़रूर होता है कि हमने खुद को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। एक कदम पीछे लीजिए और अपने आप से पूछिए कि आया ये मामला जवाब देने का है भी या नहीं। ज़रा सोचिए।